हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट पासेस हैं, भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं, सभी से रिलेटेड हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को करने वाले हैं। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी का सवाल पूछा जाता है, वहां पर ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सभी वन डे एग्जामों में, सभी एग्जामों में एक से दो क्वेश्चन प्रमुख दर्रे से रिलेटेड, एक से दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट सवाल की ओर। देखिए, आपके सामने में फर्स्ट सवाल यहाँ पे आज का सेशन का आता हुआ। सबसे पहला यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, यानी कि आर्य लोग भारत में किस दर्रे से होकर इंटर किए थे। तो चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, और चारों ऑप्शन में आपको सही उत्तर देना है। तो या इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? खैबर। और खैबर जो दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वो स्थित है पाकिस्तान में। तो खैबर दर्रा से होकर आर्यों ने भारत में एंट्री किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, यानी कि हिमाचल में कौन सा दर्रा यहाँ पर स्थित है दोस्तों? ठीक है, तो इसको हम लोग को यहाँ पे सही उत्तर देना है। और सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? सिपकिला दर्रा, क्योंकि यहाँ पे नाथुला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और जोजिला दर्रा यहाँ पे आपका श्रीनगर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हिमाचल में कौन हो जाएगा दोस्तों? सिपकिला दर्रा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जवाहर सुरंग का नाम, ठीक है दोस्तों, जवाहर सुरंग का नाम कौन से दर्रे को दिया गया है? और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को यहाँ पे रखा हूं दोस्तों आपके फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला पर स्थित नहीं है? इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों ही जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिमी घाट में स्थित हो जाएगा दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा? ये हो जाएगा पिपली घाट, जो कि पश्चिमी घाट में नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो देखिए, ये तो पश्चिमी होगा नहीं, पूर्वी भी नहीं होगा, तो विंध्याचल भी नहीं होने वाला, तो किसमें होगा दोस्तों? ये अरावली। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको? किसको जोड़ता है दोस्तों? तो सवाल के स्टार्टिंग में ही, आज का सेशन का फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे जानकारी दिए थे दोस्तों कि जोजिला दर्रा जो वो कहाँ पे है? श्रीनगर में है। तो यहाँ पे आपका देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जहां पे क्या दिख रहा है दोस्तों? वो दिख रहा है श्रीनगर। तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, यानी जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और अगर आप लोग दोस्तों दर्रा से रिलेटेड विस्तारित रूप से अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जा करके वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहां पे एक एक दर्रा को, जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं सभी को वहां पे डिटेल्स में जानकारी दिया हूं दोस्तों कि कहाँ स्थित है मैप के माध्यम से, और कौन सा रोड पर स्थित है, किसको किसको जोड़ता है, भारत को किससे जोड़ता है, ये सारा जानकारी वहां पर आप लोगों को दिया हुआ है। लेकिन आज का सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन को ही कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तर आपके सामने पहले यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पाल घाट दर्रा, ठीक है दोस्तों, कौन सा दर्रा यहाँ पे होगा? पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु को, जैसे कि पालघाट भी आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है दोस्तों? तो वो सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
नाथूला दर्रा किस राज्य में है दोस्तों? नाथूला, नाथूला ठीक है। तो नाक में कैसा नाथूला बनता है? तो वो बनता है सिक्का टाइप से, देखिएगा नाक में, यानी कि देखिएगा बहुत सारे लेडीजों को, माफ कीजिएगा लेडीज, अगर वहां पे आप लोगों को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नाक में देखिएगा बहुत सारे जेंट्स लोग भी, और नाक में जो पहनते हैं वहां पे क्या एक गोल टाइप से सिक्का टाइप से उन लोग थुल्ला पहनते हैं, ठीक है। तो नाक में क्या पहनता है? सिक्का टाइप से यानी गोल, ठीक है। तो यहाँ पे नाथूला क्या हो जाएगा? सिक्किम। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला हो जाएगा अरुणाचल में। ओके नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत है। अब मैं ऑप्शन गलत कैसे बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा। जोजिला दर्रा एक्चुअल में है कहां पे? श्रीनगर में, ठीक है। वो कहां पे दोस्तों? वो है श्रीनगर, यानी कि जम्मू और कश्मीर में आप जा सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ओके तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेकिन राज्य अगर पूछ रहा है राज्य, तो आप जम्मू एंड कश्मीर पूछ जाइएगा, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और अगर पूछेगा कि जोजिला दर्रा किस स्थान में स्थित है, तो उस समय आपका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख, लेकिन राज्य पूछा है तो सही उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जोजिला दर्रा दो तरह से पूछ सकता है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और अगर पूछेगा कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा किस स्थान में स्थित है, तो लद्दाख में स्थान है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही उत्तर दीजिएगा। और जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है दोस्तों? तो जोजिला जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में तो अभी अभी क्लियर किए हैं नाथूला एवं जेलेपला, कहां पे जाएगा दोस्तों? ये सिक्किम की ओर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जोजिला। नेक्स्ट सवाल, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु तो जाते हैं दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका सीपुला दर्रा, ठीक है दोस्तों, सी लिपुला, ठीक है, लिपुला दर्रा से होकर के हम लोग मानसरोवर झील तथा कैलाश जाते हैं। ओके नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे कि पालघाट तो ये केरल में सही है, रोहतांग हिमाचल में सही है, अभी अभी हम आप लोगों को क्लियर किए थे कि नाथूला, नाथूला में क्या बनते हैं? सिक्का टाइप से गोल बनते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा नाथूला कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा सिक्किम में, और सिक्किम हो जाएगा, लेकिन लिपु लेक आपका उत्तराखंड में, लेकिन आपका कौन सा उत्तर यहाँ पे गलत है? तो ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का आंसर गलत है, तो यही हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अभी सही सुमिलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सुमिलित नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों कि टोंगुक दर्रा भारत को किस देश के साथ में जोड़ने वाला है? क्या है? यह है पर्वतीय दर्रा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यांमार। ओके नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर पाकिस्तान की, खैर नहीं, तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। ओके नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए पालघाट, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य है? तो पालघाट किसको किसको जोड़ता है दोस्तों? पालघाट जो है, पालघाट वो केरल, यानी कि केरल और जोड़ता है किसको? वो जोड़ता है आपका तमिलनाडु को। लेकिन अगर आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे तो इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तमिलनाडु और केरला में कौन सा पहाड़ी है? तो नीलगिरी तो है, ये तो समझ में आता है, लेकिन कार्डामोम ये नहीं है, ठीक है। अन्नामलाई तो है, लेकिन कार्डामोम नहीं है, कार्डामोम नहीं है, तो यहाँ पे पालिनी भी नहीं है, तो कौन बचता है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। तो नीलगिरी और अन्नामलाई
पहाड़ी के बीच में कौन है दोस्तों, और उसी को काट करके यहाँ पे ये रास्ता बनाया गया जिसको जो हम लोग क्या बोलते हैं पालघाट, और ये केरल और तमिलनाडु को ये जोड़ता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए बारालाचा भी है दोस्तों, पाचा भी है और सिपकिला भी है, लेकिन जेलेपला, ठीक है, जेलेपला कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों, क्या है दोस्तों यहाँ पे है जांगला दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तर हो जाएगा, क्या सही उत्तर हो जाएगा? लद्दाख। ओके, रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर यहाँ पे क्या रखा गया है दोस्तों? तो रोहतांग दर्रा का सुरंग का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग यहाँ पे रखा गया है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे सुरंग रखा गया, ठीक है। चलिए, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री करती है दोस्तों? तो वो होगा यांग या माउंटेन पास। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस दर्रे से होकर जम्मू और कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है दोस्तों? तो कौन सा दर्रा है जिससे कि हम लोग जम्मू और कश्मीर जाने का मार्ग निकालते हैं? तो वो हो जाएगा कौन सा दर्रा दोस्तों? वो हो जाएगा हम लोग का बनिहाल दर्रा। ओके, बनिहाल दर्रा। ओके, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो ये हो जाएगा बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बुमला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वो हो जाएगा अरुणाचल में। नेक्स्ट सवाल, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो हो जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नीति दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल में। नेक्स्ट चलते हैं, बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हिमाचल में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लिपू लेक दर्रा कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका लिपू लेक, जो की उत्तराखंड में है। कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है? तो वो हो जाएगा पालघाट। ठीक है, जितना भी तरीके सवाल पूछा जा सकता है सभी को मैं आपके सामने यहाँ पे ला रहा हूँ। खारदुंगला या फिर खारदुंगला, ठीक है, दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है, और वह इमिश ला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा लद्दाख। और हैमिश नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों? वो लद्दाख में। अगर आप लोग नेशनल पार्क वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वहां पे 110 सवालों को कवर किया गया है और सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो वो हो जाएगा शिपकिला दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ पे दोस्तों? वो है श्रीनगर में स्थित। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चुंबी घाटी, ठीक है, किस दर्रे से बहती है? सॉरी, यहाँ पे है चुंबी नदी किस दर्रे में बहती है दोस्तों? तो वो हो जाएगा नाथुला दर्रा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका तुंजू माउंटेन पास। नेक्स्ट सवाल, यांग याप दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल में। ठीक है, और बनिहाल दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए दो तरीके से यहाँ पे पूछ सकता है। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट चलते हम लोग। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट सवाल, लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। थाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। पालघाट, ठीक है, यहाँ पे पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वो हो जाएगा केरल राज्य, जो कि पालघाट दर्रा जो यहाँ पे केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है।
दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो वो हो जाएगा अरुणाचल में। ओके, ये सब सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, तुंजू दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मणिपुर में। अगहिल दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, वो हो जाएगा लद्दाख में। लिखा लिखा पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो वो हो जाएगा अरुणाचल में। नेक्स्ट सवाल फिर चलते हैं, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा सेनकोटा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या, सेनकोटा। ओके, जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है दोस्तों, तो वह हुआ है सिंधु नदी के द्वारा, जिसको कि हम लोग हिंदू इंदस के भी नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो जोजिला दर्रा सिंधु नदी के निर्माण के द्वारा बना हुआ है। जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा तिस्ता नदी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है दोस्तों, तो वो हो जाएगा सतलुज नदी। ठीक है, अगर आप लोग नदी वाला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि नदी के बारे में बहुत ही डिटेल्स ढंग से वहां पे समझाया हुआ है दोस्तों। जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिक्किम में। कश्मीर को शेष भारत से कौन जोड़ता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है, मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा बाड़ारचिया। नेक्स्ट, मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होगा, तो वो हो जाएगा रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा सेनकोटा, क्योंकि यहाँ पे जो है मदुरै कहाँ पे, तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं, कौन से दर्रा नासिक मुंबई को जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से, ठीक है, नासिक से जोड़ती है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ताल। ठीक है, कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ती है, तो ये हो जाएगा भोर। और कौन सा दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है, तो ये हो जाएगा जोजिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर डिटेल्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोग दर्रा वाला जाकर के देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पे फिगर के माध्यम से कहां से इसका लाइन कहां से लेकर कहां तक गया हुआ है, कितना किलोमीटर है, कितना ऊंचाई पर स्थित है, सभी चीज का जानकारी वहां पे दिया गया है। आज के सेशन में हम लोग बस इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को ही देख रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, और इस चैनल में जा करके अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ पाना है दोस्तों, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आपको बस इतना करना होगा, सर्च करना होगा दोस्तों, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और वहां पे ज्वाइन हो जाना है। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जीके जीएस का तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छा लगा होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए नमस्कार।